उधर कटिहार जिले में आए दिन अपराधी अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला फलका थाना क्षेत्र के फलका बाजार का है, जहां लोगों ने कपड़ा दुकान में चोरी के आरोप में दो चोर को पकड़कर बिजली के खंभे से बांधकर उनकी पिटाई कर दी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। फिलहाल दोनों चोरों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हम कहते हैं बच्चे को बैठा के जो है साड़ी लेने के लिए, बस इसी में जो है देखें हल्ला होने लगा यहाँ पे। हम जो है ऊपर में साड़ी दिखाने के लिए गए थे, दिखाने के क्रम में हम भी छत से जब देखते हैं जहाँ जो है सभी आदमी भागने लगे, तो भागते पता चलता है कि मेरा गल्ला जो है लेके भागा। तो ग्रामीण ने उसको पकड़ा, जो गल्ला जो है आगे में चौराहे पे जो है दुकान के सामने उसने पटक के बिहार में कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन को लेकर जिला प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिया है। इसी क्रम में राजधानी स्थित सभी राजनीतिक ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। आमतौर पर इन जगहों पर ज्यादा भीड़ रहती है, इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। कार्यालय बंद होने से सन्नाटा पसरा रहा, इसका जायजा लिया दर्शन संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने। अभी हम पटना में मौजूद हैं। आपको बता दें कि ये इनकम टैक्स से आर ब्लॉक इनकम टैक्स से चाणक्य जाने वाला रोड है। आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कितना तेजी से फैल रहा है, कि जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं जाने पे मजबूर हो गए हैं। जो आवाजाही है, जो ट्रैफिक है, वो आमतौर पर पहले से काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलने के लिए जो थे पहले जाते थे वो अब नहीं जा रहे हैं। हालांकि जो संस्थाने हैं उसमें 33% से ज़्यादा लोग काम नहीं कर सकते एक समय पे। आप देख सकते हैं इस तरफ आरजेडी का कार्यालय है जिसमें भी ताला लगा हुआ है, इसे भी बंद कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी कार्यालय भी है जो बंद कर दिया गया है। आपको आंकड़े बताते हैं जो बीते दिनों बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को डरा रहे हैं कि जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कल बीते दिन की बात करें तो 3400 करीब 3400 से ज़्यादा केसेस बिहार में रजिस्टर हुए हैं। वहीं पटना की बात करें तो 1400 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं। ऐसे में जो बिहार सरकार है वो काफ़ी सतर्कता बरत रही है। जो रोड पे है वो लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके लिए मास्क चेकिंग अभियान कर रही है, डोर टू डोर जाके स्क्रीनिंग कर रही है, हर जगह पर सैनिटाइजेशन हो रहा है। हालाँकि जो डर है वो अभी भी बेकाबू, जो लोग हैं, जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं रोड पे नज़र आती है। पर अब जो स्थिति बन गई है आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जो लोग हैं वो रोड पे नज़र नहीं आते हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं अपने कामों पे। हालांकि जो मास्क है वो अनिवार्य है, लोग बिना मास्क के नहीं निकल सकते। अगर निकलेंगे तो बिहार सरकार द्वारा 50 रुपया उन लोगों को फाइन लगेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, नेशन न्यूज़, पटना।